अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अब आम आदमी पार्टी के एक और विधायक के अंदर जाने की बारी आ गई है। आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को 2020 में एक लॉ स्टूडेंट को पीटने का दोषी करार दिया गया। इस मामले में अदालत ने इसी साल 16 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत में विधायक की सजा पर सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। शेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत ने आईपीसी की धारा 323 के तहत त्रिपाठी को दोषी करार दिया। SC ST एक्ट के तहत विधायकों को आरोपों से बरी करते हुए अदालत ने कहा कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ ये तय नहीं किया जा सका है कि उन्होंने शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई जाति संबंधी टिप्पणी की। आरोपी के खिलाफ अनुसूचित जाति की वजह से शिकायतकर्ता को अपमानित या डराने का इरादा साफ नहीं हो पाया। शिकायतकर्ता ने आरोपी पर जाति के नाम पर गाली देने का आरोप लगाया है, लेकिन इसे SC ST एक्ट के तहत नहीं माना जा सकता। अदालत ने त्रिपाठी को 10 दिन के भीतर अपनी संपत्ति और आय का हलफनामा पेश करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सरकार को भी आदेश दिया कि 7 दिन के भीतर अभियोजन एजेंसी द्वारा किए गए खर्च का हलफनामा प्रस्तुत करें। शिकायतकर्ता संजीव कुमार ने आरोप लगाया था कि 7 फरवरी 2020 की रात करीब 11:35 पर वे अपने दोस्त राज किशोर के साथ अपने घर जा रहे थे तो त्रिपाठी ने अपने समर्थकों के साथ उन्हें झंडेवालान चौक पर रोक लिया। उन्होंने उसकी स्कूटी की चाबी छीन ली और बुरी तरह से पीटा। घटना के दूसरे दिन यानी 8 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने थे। मौजूदा विधायक त्रिपाठी आपसे चुनाव लड़ रहे थे, जबकि शिकायतकर्ता और उनके पिता BJP उम्मीदवार कपिल मिश्रा का समर्थन कर रहे थे। शिकायतकर्ता कूड़ेदान में कूड़ा फेंकने जा रहा था, तभी आरोपी और उसके समर्थकों ने उसे रोका, उसकी पिटाई की और जाति संबंधी टिप्पणी की। हालांकि त्रिपाठी ने यह दावा किया कि शिकायतकर्ता चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए प्रचार सामग्री वितरित कर रहा था और उन्होंने इस पर आपत्ति जताई थी। अदालत ने त्रिपाठी को दोषी ठहराते हुए कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि घटना हुई थी और शिकायतकर्ता को साधारण छूटें आई थी, लेकिन इस अपराध पर आरोपी पर लगाए गए गंभीर अपराध साबित नहीं हो सकते, इसलिए आरोपी को IPC की धारा 323 के तहत दोषी करार दिया जाता है। मनीष सिसोदिया ने तिहाड़ जाने के बाद दिल्ली का बजट पेश करते हुए कैलाश गहलोत ने उनकी तुलना राम से कर दी। अब राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द हुई तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने उनकी तुलना भी राम से कर दी। ये बात BJP को पसंद नहीं आई। केजरीवाल और कांग्रेस दोनों एक तरह से खड़ाऊ की राजनीति कर रहे हैं। एक के पास सिसोदिया की खड़ाऊ है तो दूसरे के पास राहुल गांधी की। सिसोदिया का पारा काफी चढ़ा हुआ है। इन सब के बीच नागालैंड BJP के प्रमुख तेमजेन इमना ने बिना नाम लिए मजेदार अंदाज में राहुल गांधी पर तंज किया। उन्होंने ट्विटर पर कुछ ऐसा कहा जो वायरल हो गया। तेमजेन अपने फनी अंदाज के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तेमजेन की तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि वो भी तेमजेन को सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। तेमजेन इमना ने ट्वीट किया और कहा कि जब मम्मी ने बोला था होमवर्क अच्छे से किया करो तब सुना नहीं, अब फल भुगतो। डिस्क्लेमर में उन्होंने कहा कि मेरे कहे इस शब्द में पप्पू का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। तेमजेन के ट्वीट को लोग राहुल गांधी पर तंज के रूप में देख रहे हैं, हालांकि उन्होंने अपने ट्वीट में किसी का नाम नहीं लिया। इससे पहले तेमजेन ने राहुल गांधी के लंदन वाले बयान के बाद कांग्रेस द्वारा शेयर किए गए फोटो को ट्वीट किया और चुटकी ली। उन्होंने राहुल गांधी का फोटो ट्वीट करते हुए लिखा, मानना पड़ेगा फोटो तो अच्छी आई है, कॉन्फिडेंस और पोज नेक्स्ट लेवल है। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा कि कम से कम कैप्शन तो खुद लिखा करो। तेमजेन अलोंग नागालैंड के शिक्षा मंत्री हैं और इसके अलावा BJP ने उन्हें नागालैंड का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया हुआ है। तेमजेन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अपने फनी अंदाज के लिए पॉपुलर भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने कहा कि इस घटना से विपक्ष को फायदा होगा। अब उसी फायदे को भुनाने के लिए प्रियंका वाड्रा राजघाट पहुंच गई और विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। कांग्रेस के इस संकल्प सत्याग्रह पर BJP ने जोरदार हमला किया और पूछ डाला कि प्रियंका जी ये बताएं कि किसी कांग्रेसी ने लोकतंत्र को खून से सींचा। BJP प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हमें तो इतिहास में पढ़ाया गया था कि गांधी जी ने बिना खून बहाए देश को आजादी दिलाई थी, तो प्रियंका जी पहले ये तय कर लें कि कौन से कांग्रेस के लोगों ने खून बहाया। एक कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर का नेता बताएं जिसने आजादी के लिए खून बहाया, काला पानी की सजा काटी या अंग्रेजों की गोली खाई हो। BJP नेता ने कांग्रेस के सत्याग्रह को गांधी जी का भी अपमान बताया।
गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह सामाजिक कारण से किया था, जबकि यहाँ ये अपने लिए अपने निजी कारण से सजा याफ्ता होने के बाद न्यायालय के खिलाफ करते दिख रहे हैं। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि जो भी आरोप लगा रहे हैं वे निराधार हैं। सरकार के ऊपर कितना कुछ कहा, पीएम के ऊपर विष वमन किया, लेकिन जब आप भारत के पिछड़े समाज के खिलाफ घृणा फैलाते हैं और उस पर आपको सजा होती है, फिर आप राजनीतिक आरोप लगाने के प्रयास करते हैं, तो इसमें मुझे उद्दंडता और निर्लज्जता दोनों ही नजर आती है। प्रियंका गांधी के परिवार वाले बयान पर पलटवार करते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आपकी दादी इंदिरा गांधी के खिलाफ न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध हुआ था। राजीव गांधी का नाम बोफोर्स घोटाले में आया था। आप किस पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं? बीजेपी प्रवक्ता ने एक बार फिर पिछड़े समाज के अपमान का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भारत के पिछड़े समाज के प्रति ऐसा दुराग्रह और जिस बेशर्मी से उसका समर्थन कर रहे हैं, ईमानदारी से आपको माफी मांगनी चाहिए थी। इतना बड़ा बयान जाति का अपमान किसी और ने किया होता तो ये देश में आग लगा देते। सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल किया कि ये सत्याग्रह किस लिए? पिछड़ी जाति का अपमान किया इसको जस्टिफाई करने के लिए? ये अहिंसा के विरुद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। आपराधिक मानहानि कानून ने पूरे विपक्ष को एक साथ ला खड़ा किया है। अरविंद केजरीवाल तक तो ठीक था, क्योंकि वे 2021 के चुनाव के वक्त कांग्रेस के साथ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में चुनावी गठबंधन करने को लालायित थे। तब बात नहीं बनी, इसलिए केजरीवाल ने एक दिन में 3 घंटे के अंदर 3 बार राहुल गांधी के समर्थन में बीजेपी पर बड़े हमले किए। लेकिन हद तो तब हो गई जब सुब्रमण्यम स्वामी भी साथ खड़े हो गए। ये वही सुब्रमण्यम स्वामी हैं जिनकी वजह से नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पर चल रहे हैं, लेकिन अब सब साथ हैं। वजह वही आपराधिक मानहानि कानून है जिसे सारे विपक्षी खत्म करवाना चाहते हैं। पता नहीं कब राहुल गांधी जैसा उनका भी हाल हो जाए। कांग्रेस तो एक कदम आगे बढ़ गई और गांधी परिवार के लिए अलग से कानून बनाने की मांग करने लगी। पार्टी के नेता प्रमोद तिवारी ने गांधी परिवार के लिए विशेष कानून की मांग रखी, क्योंकि उनके हिसाब से ये परिवार देश का सबसे खास परिवार है। अब राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और सुब्रमण्यम स्वामी एक मंच पर आए और इस कानून का पुरजोर विरोध किया। सभी ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट को एक साथ चुनौती दी। हालांकि कानून को चुनौती देने वाले कई और लोग भी थे, लेकिन बड़ी खबर राहुल गांधी और केजरीवाल और सुब्रमण्यम स्वामी का एक मंच पर आना है। हालांकि लगता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट से इन्हें कोई राहत मिलने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में आईपीसी की धारा 499 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। यानी राहुल, केजरीवाल और स्वामी एक मंच पर आए तो, लेकिन उनके साथ आने के बाद भी वो कानून को खत्म नहीं करा सका। राहुल गांधी और सुब्रमण्यम स्वामी एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। स्वामी की वजह से ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। राहुल गांधी के साथ अरविंद केजरीवाल के भी संबंध अच्छे नहीं हैं, लेकिन कभी ये सारे एक मंच पर आए, आईपीसी की धारा 499 में मानहानि के तहत केस दायर किया जा सकता है, जबकि सेक्शन 500 के तहत किसी को दोषी ठहरा कर सजा सुनाई जाती है, जब कोई या तो बोले या पढ़े जाने वाले तरीके के जरिए किसी की छवि को आघात पहुंचाने के लिए आरोप लगाता है तो वो मानहानि करना कहलाएगा। भारत में आईपीसी की धारा 499 के तहत पीड़ित शख्स अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर कर सकता है। 2016 में 499 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए कहा गया था कि छवि को बचाना मूलभूत अधिकार है। अदालत ने इसे मानवाधिकार भी माना। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि संविधान में हर शख्स को बोलने की आजादी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई किसी के खिलाफ कुछ भी बोले। सुप्रीम कोर्ट ने फ्री स्पीच को दायरे में रखते हुए कहा कि कोई दूसरे के खिलाफ कुछ भी बोलेगा तो समाज ही दूषित हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।